राम जय बागेश्वर धाम। दोस्तों आज हम आपको ऐसे शिवलिंग के विषय में बताएंगे जहां स्थापित शिवलिंग के सामने कुछ सिद्ध साधु पुरुष साधना कर रहे थे और अचानक शिवलिंग बीच में से फटा और सारे के सारे सिद्ध साधु उसी शिवलिंग में समाकर रह गए। इस शिवलिंग का दरार आप आज भी यहाँ पर देख सकते हैं, जहाँ पर सिद्ध साधु पुरुष समा गए थे। यहाँ तक कि इस शिवलिंग को विश्व का सबसे विशाल शिवलिंग माना जाता है। यहाँ के रहस्यों को आज तक विज्ञान जगत भी नहीं सुलझा पाया। यहाँ के संपूर्ण शिवलिंग की लंबाई 5.5 मीटर, व्यास 2.3 मीटर तथा केवल लिंग की लंबाई 3.85 मीटर है। इस मंदिर का दरवाजा भी किसी हिंदू इमारत में सबसे, यानी कि किसी भी हिंदू इमारत में सबसे बड़ा है। इस मंदिर में 40 फीट ऊंचाई वाले इसके 4 स्तंभ है। पूरा मंदिर इन्हीं 4 स्तंभों पर टिका हुआ है। इस मंदिर का निर्माण चतुष्पदीय संरचना के आधार पर होना था। इस मंदिर को उत्तर भारत का सोमनाथ भी कहा जाता है। मंदिर के अधूरे निर्माण में जानकारों का मानना है कि ऐसा किसी प्राकृतिक आपदा, संसाधनों की आपूर्ति में कमी अथवा किसी युद्ध के आरंभ हो जाने के कारण हुआ होगा। शायद राजा भोज का निधन हो गया होगा, इसी कारण इसका निर्माण हो सकता है कि रोक दिया गया हो। दोस्तों इस मंदिर को भोजेश्वर महादेव भी कहते हैं। ये मंदिर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रायसेन जिले में है। चिकने लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ यह शिवलिंग बड़ा ही मनोरम दिखाई देता है। यह शिवलिंग विश्व में सबसे बड़ा शिवलिंग है। ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण एक ही रात में हुआ था। इस मंदिर के विषय में 2 किंवदंतियां अति प्रचलित है। कुछ तो इसको 11वीं सदी में परमार वंश के राजा भोज के द्वारा निर्मित बताते हैं, तो कुछ लोग शिवलिंग को पांडव कालीन मंदिर बताते हैं। कहते हैं एक बार राजा भोज की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। तब राज वैद्य ने उन्हें 9 नदियों अथवा 19 तालाबों का पानी पीकर ही वह ठीक हो जाए ऐसा उपाय बताया था। फिर क्या था, छोटी बड़ी 9 नदियों से बेतवा नदी पर एक बांध बनाया गया। इसका पानी पीकर राजा भोज बिल्कुल स्वस्थ हो गए। ठीक होने के बाद राजा भोज ने भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए एक भव्य शिव मंदिर बनाने का संकल्प लिया। उन्होंने संकल्प लिया कि वे इस मंदिर को एक ही रात में पूरा बनाएंगे, लेकिन यह संकल्प पूरा न हो सका। सूर्योदय होते होते मंदिर के शिवलिंग का ऊपरी भाग का निर्माण कार्य बनना रह गया। किसी कारण मुर्गे ने बांग दे दिया तथा सीकर यानी कि मंदिर के ऊपरी भाग का निर्माण कार्य नहीं हो सका, इसलिए इस मंदिर के निर्माण को अधूरा माना जाता है। कहा जाता है कि राजा भोज कलिया सोत नदी से नाव के माध्यम से पूजन करने के लिए यहाँ पर अक्सर आया करते थे और पूजा करने के पश्चात नाव से ही वापस अपने महल को चले जाते थे। तो दोस्तों दूसरी कथा के अनुसार भीम ने इस मंदिर का निर्माण कराया था।
क्योंकि महारानी कुंती शिव जी की अनन्य बगैर पूजा किए वह भोजन पानी ग्रहण नहीं किया करती थी। इसलिए भीम ने माता कुंती के पूजा करने के लिए इस मंदिर को बनाया ताकि अगले ही दिन कुंती मंदिर में पूजा कर सके। यह एक बार तो सही भी लगता है क्योंकि थोड़ी ही दूरी पर भीम बेटका नामक स्थान मौजूद है जहां पर वनवास के दौरान पांडव रुके थे, जिससे लगता है कि पांडव कालीन होने की बात सही हो सकती है। मंदिर के करीब ही बेतवा नदी भी है। ऐसा माना जाता है कि सूर्य पुत्र कर्ण को माता कुंती ने इसी स्थान पर इसी नदी में यहां पर बहा दिया था। मंदिर निर्माण करते समय समय से पहले ही मुर्गा बांग दे गया, जिससे मंदिर का निर्माण कार्य वहीं पर रोक दिया गया। मंदिर के आसपास मंदिर के निर्माण से संबंधित कईयों मूर्तियां, कईयों खंभे और कईयों प्रकार की कलाकृतियां दिखाई दे जाती है, जिसको देखने के बाद यह लगता है कि अगर इस मंदिर का पूर्ण निर्माण हो जाता तो यह दुनिया का सबसे बड़ा शिव मंदिर होता। बहरहाल यह शिवलिंग विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग है। इतना ही बड़ा शिवलिंग कहीं दुनिया में दूसरा कहीं और नहीं देखने को मिलता। अब हम आपको वो स्थान बताते हैं जहां पर इस मंदिर का नक्शा बनाया गया था। तो देखिए दोस्तों, यह है वो स्थान जहां पर मंदिर बनाने से पहले मंदिर कैसे बनेगा इसका नक्शा बनाया गया है। आसपास बिखरी पड़ी शिलाएं, मूर्ति व खंभों को देखकर मंदिर के अधूरे निर्माण होने का आभास मन में होने लगता है। मंदिर में अंदर जाने पर ऐसा प्रतीत होता है मानो शिव जी भगवान यहाँ मौजूद हो। एक अलग ही एनर्जी शरीर में भरने लगती है। सारी थकान, सारी माइंड में जो चल रही थकान है, सारी यहाँ पर आ जाने के बाद दूर हो जाती है। मन करता है जैसे मंदिर में बैठे रहो और शिव जी का पूजन करते रहो। मन में अपने आप ही महादेव की भक्ति का उत्कार उत्पन्न होने लगते हैं। तो दोस्तों, ऐसा है शिव जी के अधूरे मंदिर के निर्माण का और शिव जी का यह मंदिर, जिसको भोजेश्वर शिव मंदिर भी कहते हैं, और इसी को उत्तर भारत का सोमनाथ मंदिर भी कहते हैं।